आज जो ये मीटिंग देख रहा हूँ मैं यहाँ पर स्टेडियम में, मुझे कई बार आने का अवसर मिला यहाँ पर। आज आपने कमाल कर, आपने लड़ाई बहुत कमी रही, शानदार स्तरीय मीटिंग। इस मीटिंग का संदेश सुना गया है, आपने उम्मीदवार जी को बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का प्यार स्नेह विश्वास मिला है, उसके बारे में बात बचती नहीं। मेरे पूर्व भक्तों ने, नोटा साहब ने, जोड़ी जी ने आपको सब आदर मान से कहे। देश का हालात क्या है आप सबको मालूम, बड़ा चिंताजनक हालात है। ये देश के अंदर हालात बहुत गंभीर है। आप पूछेंगे राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर 5 पॉइंट दिए उन्होंने, गारंटी दे रहे हो, तो बात क्या करते हैं। बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ती जा रही है, महंगाई बहुत भयंकर है, कमर को महंगाई है, कभी गरीब आदमी की भी खाई बढ़ती जा रही है, कोई मुद्दा है। और आप अपने सभी धर्म के लोग, सभी जाति को प्यार के सद्भावना से, मोहब्बत से, भाई भाई के रहे हैं, क्या मुझे क्या बड़ी बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते हैं आप देखते हो, राहुल गांधी के बारे में आप सोच सकते हैं कि जो ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा, सीबीआई का, जिस प्रकार के करप्ट लोगों को बीजेपी भर्ती कर रही है, और बीजेपी के बाद में मशीन लगी हुई है, आप सोच सकते हो बीजेपी आती है वो मशीन सबको ईमानदार बना देती है, वाकई मशीन लगी हुई है, कपड़े चले वाकई मशीन। किस प्रकार से बीजेपी ने तबादला किया है, बीजेपी ने जिस प्रकार से कांग्रेस खाते बंद कर दिए, दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री, आपको मालूम है अमेरिका ने क्या कहा, जर्मनी ने क्या कहा है, इस देश में हो क्या रहा है, इस देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या बनती जा रही है, आप बताइए। अगर अमेरिका और जर्मनी ये मुल्कों को बोलना पड़े, और साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस खाते बंद कर दिए हो, उन खाते बंद करने का संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने क्या कहा है, उन्होंने एडवाइज किया कि अफगानिस्तान में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता में नहीं है, कोई बात नहीं, उनके 12 अकाउंट बंद कैसे कर सकते बैंकों का। अगर आप भी खाते बंद कर दे, मैंने 1 करोड़ रुपए ले लिए है, बुजुर्गों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन, कुछ पेमेंट बंद कर दे, उनकी खाता बंद करके क्या बीतेगी, उस पर छोटा व्यापारी है, खाता बंद कर दो क्या बीतेगी। आप सोच सकते हो कि जो देश में हो रहा है वो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हो रहा है, खत्म करने के लिए हो रहा है। इतने लोग कहने लगे, खड़गे साहब पूछ जाते हैं, अगर ये जीत गए मोदी जी तो आगे चुनाव होंगे भी नहीं होंगे, ये बात एक अमीर बात थी, ये कोई हंसी मजाक की बात तो है नहीं। लोकतंत्र काम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चिंता मुझे बना हुआ देश का। इतने लेके मैं जाऊंगा आपको, हालात बड़े गंभीर हैं, देश को बचाना है, चुनाव खाली उम्मीदवार जी का नहीं है, ये चुनाव देश के भविष्य का है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, ये चुनाव अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने का है, जिसके लिए जोगी साहब ने कहा आपको, आप सोच सकते हो ये गंभीर चुनाव है, इसलिए आज राष्ट्र में और देश के में माहौल बदल रहा है। आप देखेंगे 19 तारीख आते आते कांग्रेस की हवा चलेगी देश भर के अंदर, भारी बहुमत से कांग्रेस को उम्मीदवार जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, इनको सबक सिखाया गया, ये कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए बनने वाली है, तो बननी चाहिए, आपको बननी चाहिए।
अगली सरकार 405 रुपए का नंबर दिया गया है, खाली लोगों को भ्रमित करने दिया गया है, जिसके कुछ पड़ रहा है। मोदी जी खुद घबरा रहे हैं, उनकी पार्टी घबराई हुई है, इतने कांग्रेस भी उनको कोर्ट में ले जा रही है, जाके धमका करके आगे दे करके ये आप सबसे घबरा जा रहा देश के अंदर। इसमें जाना चाहूँगा सरकार ने आपका आशीर्वाद से बहुत काम किए, कई काम किए, मुझे आपने 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, इतने शानदार योजना थी, राजस्थान पहली बार देश में चर्चा में आ गया हर राज्य के अंदर, हमारी स्थिति देखने के लिए वहाँ अधिकारी आने लग गए, चाहे वो स्वास्थ्य योजना जुड़ी हो, चैलेंजियों की 25,000 का बीमा हिंदुस्तान छोड़ो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, वो काम हमने करके दिखाया था। तो काम की कमी रही नहीं, तो झूठ बोल करते जिस प्रकार से मोदी जी ने, अमित शाह ने, उनके मुख्यमंत्री ने, उनके मंत्रियों ने हिंदू को 5 लाख दिए, मुसलमान 50 लाख दे दिए, इस प्रकार से जो की गई उसके कारण सरकार बन नहीं पाई हमारी, तो माहौल हमारे पक्ष में रहा, चुनाव हारने के बाद में भी गांव वालों में हार भी हमारी योजना को लोग याद करने लगे थे। जाती सरकार अभी देखो में जब बाहरी 3 महीने के बाद में भी लोग समझ गए बात को, देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों ने दाना बनाई है, शानदार काम हमारी योजनाओं के, किस प्रकार से नई सरकार काम नहीं कर पा रही है, हिम्मत चल रही सरकार, ऐसी स्थिति में आगे क्या समझता है। चुनाव है लोकसभा का एक मौका आपने आया है, पिछले चुनाव जीत नहीं पाए, आपके अंदर चौधरी जीत पाए, एक आदमी जीता है, मैं नहीं जाना चाहूँगा आगे वालों में चुनाव जिला दोगे, पिछली जो हमारी हार हुई है कामयाबी हुए हैं वो सब भूल जाएंगे, जनता समझ जाएगी पिछले चुनाव में धोखा लेकर के झूठ बोल कर चुनाव जीएंगे, पब्लिक का मूड क्या है मालूम पड़ जाएगा। तो चौमी नारायण जी एक साफ सुथरा आदमी है, आप जो अपने हैं शिक्षित है, चुनाव जीते जाएंगे, मैं समझता हूँ कि आप जवान को आपके तेल निकल गया है, आपके यहाँ पर बिजली की योजना की गरीब चल रही है, जल मिशन चल रहा है, आपके यहाँ पर कोई कमी नहीं है, रिफाइनरी बन रही है, इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक वादा किया उन्होंने पूरा करने का अधिकारियों ने, तो हम लोग आए थे यहाँ मीटिंग की थी, तब रिफाइनरी रात में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, ये नौजवान जितने बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगा आप लोग अभी से तैयारी करें, प्लास्टिक आधारित सैकड़ों इकाई आप लगा सकते हैं, रोजगार मिल सकता है, इस प्रकार का माहौल बन गया है, छात्रों की तरफ व्यक्त करने की संभावना है। बाड़मेर आपके हवाले देखते हुए 25-30 साल पहले बाड़मेर क्या था, आज क्या है आप देख सकते हो, यहाँ होटल हो रही है, आर्थिक गतिविधि बढ़ गई है, सड़कें बनने की बात हो, देश लाने की बात हो, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, कॉलेज जो मुझसे मांगा गया हिमाला भी बैठे हैं यहाँ पर, हरीश चौधरी जी बैठे हुए हैं, कदाराम जी बैठे हुए हैं।